हाय हेलो दोस्तों, बॉलीवुड न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, तुम्हारा दोस्त फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज के साथ। तो दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए। तो दोस्तों, सलमान खान आज मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने एक इवेंट में अपनी फिल्मों के बारे में चर्चा करी है। The most correct thing should be done. The most noble thing should be done. यही है, सही चीज होनी चाहिए हर एक के साथ। तो दोस्तों, सलमान खान ने बताया है कि उनकी तीन फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं और तीनों फिल्मों के बारे में उन्होंने बताया कि ये तीनों फिल्में जो रिलीज होंगी वो सिर्फ सिंगल थिएटर में रिलीज होंगी। तो दोस्तों, उन्होंने बताया है कि मेरी फिल्में कोई भी OTT पर रिलीज नहीं होगी। तो दोस्तों, ये सलमान खान के फैन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सलमान खान ने आज खुद मीडिया से रूबरू होके उन्होंने बताया कि मेरी तीन फिल्में जल्दी ही रिलीज होंगी और जो भी फिल्म होगी मेरी तीनों वह होल सिनेमाघर सिंगल थिएटर पर ही रिलीज होगी। तो दोस्तों, सलमान खान की तीन फिल्में जो रिलीज के लिए तैयार होंगी वो है किक 2, टाइगर 3 और कभी ईद कभी दिवाली। तो दोस्तों, यह तीन फिल्में सलमान खान जल्दी ही कंप्लीट करेंगे और फिर तीनों फिल्में सलमान खान की सिनेमाघर पर ही रिलीज होगी। तो दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि सबसे पहले उनकी राधे फिल्म जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और वह 2021 में ईद पर रिलीज के लिए तैयार है। तो दोस्तों, यह फिल्म भी सिनेमाघर में हमें जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस फिल्म के लिए कई सिनेमाघर के जो मालिक हैं उन्होंने सलमान खान को एक नोटिस दिया था। उन्होंने बोला था, सलमान खान से रिक्वेस्ट करी थी कि अपनी जो फिल्म है वो प्लीज़ आप OTT पर रिलीज ना करें क्योंकि आपकी जो भी फिल्म है वह सिंगल थिएटर पे बहुत अच्छी कमाई करती है और हमारी जो इतना हमें घाटा हुआ है लॉकडाउन में, आपकी फिल्म से हमारा वो घाटा पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है सलमान खान से कि आप अपनी राधे फिल्म जो है वह प्लीज़ हमारे थिएटर पर ही रिलीज करें। तो दोस्तों, सलमान खान ने उनकी यह मांग अपना ली है और उन्होंने उनको विश्वास दिलाया है कि वह फिल्म जो अपनी राधे है वह सिनेमाघर पर ही रिलीज करेंगे। तो दोस्तों, बाकी वह अंतिम फिल्म की भी शूटिंग, उन्होंने एक सॉन्ग था वह लास्ट सॉन्ग था फिल्म का, उन्होंने उसका शूटिंग भी पूरी कर दी है और अंतिम फिल्म भी अब हमें जल्दी ही उसकी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये सलमान खान की कुछ फिल्में हैं जो मैंने आपको बताई हैं जो हमें आने वाले टाइम में सिनेमाघर में दिखाई देंगी, OTT पर नहीं। तो दोस्तों, यही मेरे पे एक लेटेस्ट न्यूज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। प्लीज अगर आपको यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज के साथ। बाय।